नमस्कार, मैं हूं दिबांज की मोइका। आज से ठीक 45 साल पहले भारत में आपातकाल की घोषणा की गई, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। बीजेपी ने आपातकाल के 45वीं बरसी पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सब कांग्रेस पर हमलावर। शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र है लेकिन कांग्रेस नहीं। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, इस दिन 45 साल पहले सत्ता की खातिर एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। एक दूसरे ट्वीट में शाह ने लिखा, लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था लेकिन ये कांग्रेस में गैर मौजूद रहा। परिवार के हित, पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती। अपने अगले ट्वीट में शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा, देश के एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। आखिर क्यों उसकी इमरजेंसी की मानसिकता बरकरार? आखिर क्यों एक राजवंश से ताल्लुक नहीं रखने वाले उस पार्टी के नेता बोल नहीं पाते? क्यों वहां नेता निराश है? इसके अलावा पार्टी का जनता से अलगाव जारी। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का जमकर विरोध किया। यह हमारे सत्याग्रहियों का तप ही था जिससे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक जीत प्राप्त की। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर आपातकाल के दौरान हुई बर्बरता को याद दिला रही। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी।